नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये सवाल आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, लीप वर्ष किसे और क्यों कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर अगर आपको पहले से पता है तो अपना आंसर कमेंट जरूर करें। इसके लिए आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो। तो इसका सही आंसर है, जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं उस साल को लीप वर्ष कहते हैं। दूसरा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तीसरा सवाल है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इसका सही आंसर है, रामनाथ कोविंद। चौथा सवाल है, हमारे भारत देश की राजधानी कौन सी है? दोस्तों सभी को पता होगा तो कमेंट जरूर करें। तो इसका सही आंसर है, दिल्ली। पांचवा सवाल है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो रोज़ सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। तो इसका सही आंसर है, दिल्ली शहर के महरौली में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।